जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम सुनने और चाहने वाले को सलाम। तो आज वीडियो का मकसद ये हो जाएगा कि हमने पंजाब का विज़िट किया और वहाँ से क्या सीखा, क्या समझा और तजर्बा क्या कहता है। तो माशाल्लाह लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और पिंडी में, और पिंडी जो है वो माशाल्लाह मेन गढ़ है कबूतरों का, बहुत ही नायाब कबूतर वहाँ मिले देखने को, जिनकी हसरत सी थी कि हम हाथों में पकड़ के देखें। तो वो कबूतर भी वहाँ बहुत ही शानदार शौक चढ़ाया गया, बड़ी इज्जत अफजाई मिली। और जो सबसे जो मज़ेदार बात थी वो ये थी कि पंजाब का मौसम जो है वो आज से जो 14-15 साल पहले था, मौसम में और कबूतरों में बहुत फ़र्क आ गया। यानी मौसम एक जगह ठहर नहीं रहा, और जो पांचवी फिरत हुई है उस पर तो बहुत ज़्यादा मुझे भी अफसोस है। दिल्ली जिन कबूतर वालों के कबूतर ज़ाया हुए हैं, मरे हैं कुछ मौसम की वजह से, तो उसमें बड़ा मुझे अफसोस हुआ उन सब कबूतरबाज भाइयों से जो दो दो तीन तीन साल कबूतर उनके बेचारों के घर नहीं आए, मरे, बारिशों में गिरे। तो उनसे दिली अफसोस का इजहार करते हैं, हम उनके साथ हैं चौक में। बाकी यह है कि शाह भाई वहाँ पे जो कबूतर है ना, वहाँ सुपरसोनिक कबूतर चल रहे हैं, उसको ज़रा डिस्क्राइब कर दें। सुपरसोनिक मेरी मुराद ये कि जिसको भी मैंने अच्छा शौक करते देखा ना, सबसे अवलीन तरजीह ये है कि कबूतर अच्छा उड़े और घर आए। अब जिनके कबूतर घर आ रहे हैं, मैंने उन कबूतरों का बड़े गौर से मुशाहिदा किया उनको, तो उनकी बॉडी फिटनेस बड़ी शानदार, एक ही बॉडी फिटनेस थी। दो कुंदे उन कबूतरों में चलते हैं, दोनों कुंदे मैं इधर दिखाऊँगा अभी आपको। तो वो जो पारा है उनकी खासियत यह है कि कबूतर लगता है बंद हो गया, आधा पौना घंटा देखते रहो फिर कबूतर नज़र आएगा, फिर बंद हो जाता है। मतलब कबूतर बंद हो रहे हैं और बंद नहीं भी हो रहा। अच्छा, वो कामयाब कबूतर है वहाँ, उनके कबूतर पूरे उड़ के पूरे यानी वापस पूरे आ रहे हैं। और जो मतलब जिनके बॉडियों में फ़र्क है, जिनके कुंदों में फ़र्क है, जिनके सरों में फ़र्क है, वो बंद हो जाते हैं, तो वो वाकई बंद हो जाते हैं। फिर वो अल्लाह ताला से दुआ करनी पड़ती है कि अल्लाह खुल जाए। तो वो जो पक्की यानी जो लोग मेरी मतलब समझ में आए हैं, जो विनर हो रहे हैं या अच्छे कबूतर चला रहे हैं, उन्होंने घरों की अपनी एक ब्लड लाइन बनाई हुई है, और 90% तबका जो है वहाँ पे 100 उधर से ले लिए, 50 उधर से ले लिए, 20 उधर से ले लिए, 30 उधर से ले लिए, तो उन कबूतरों को कूट कूट के पैसे जाया कर कर के उनमें से 10-12 कबूतर भी नहीं निकलते आखिर में, बेचारे वो भी शौक कर रहे हैं। तो जिन्होंने घर की ब्लड लाइनें बनाई हुई हैं उनका शौक बहुत शानदार लगा मुझे ना, बहुत मज़ा आया। और उधर जो सबसे मुझे जो पसंद आया कबूतर, वहाँ के लाखे, चपड़े, कलपोटिए और 35 वाले पर गोल्डन भी उनके बहुत शानदार कुंदों के। किस शहर में देखे आपने ये? मैंने गुजरांवाला में और पिंडी में तकरीबन 4 छतों पर विजिट किया, तो उनके कबूतर इतने शानदार थे कि मज़ा आ गया उनको देख के ना। तो अब नेक्स्ट एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि हमारी समझ में, हमारे मुशाहदे में ये चीज़ आ गई कि कबूतरबाजी वहाँ की क्या मांगती है, क्या रिजल्ट मांगती है कबूतर से। तो कुछ मुशाहदे के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि अब ये आपको बकरी को देख ले,
सादी सी आंख है, इनकी मेन जो चीज है ना शाह, ये जो बाटी है ना, ये वाली, ये ठोस, मतलब ये गोश्त जो है ना यहाँ नरम नहीं मांगते। जो गोश्त नरम है, जिसका यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर नरम है, वो कबूतर घर नहीं आता। वो ये कुंडा वहां का सबसे शानदार कुंडा है। अच्छा, ये जो बॉडी की आप बात कर रहे हैं, उड़ उड़ के होती है या कुछ कबूतरों में बाय बाय? नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर ही उनके ऐसे हैं, और बाकी जो थोड़ी नरमाहट होती है, अब कबूतर उड़ेगा तो अपनी जान को सही करेगा। जिसने रहना ही नरम है ना, तो वो वहाँ काम नहीं कर रहे कबूतर, उनके अक्सर घर यानी कबूतर नहीं आते। एक छत पे गया था मैं, तो उनके कबूतर नरम था, वो 5-6 घंटे 7 घंटे करके आया था। तो उन्होंने कहा भाई कल ये 11-12 करेगा घंटे। मैंने कहा सर जी, अगर 11-12 करेगा तो कल घर नहीं आएगा। वो नहीं आया। फिर बोले शादी हुआ क्या? मैंने कहा आपके घर की चीज़ है। तो वो यही था कि वो जिसम उसका ये नरम था। सही, ये है स्पेशल यार वो कुंडा। ये हवा को भी काट रहा है, सही, बंद मौसम में भी सही है। सही। और ये कुंडा जो है, ये वहां पे, ये कुंडा वहां पे बहुत शानदार, बहुत अच्छा चल रहा। अब ये मतलब कबूतरबाजी का ये मकसद है कहने का, भाई कबूतर बंद भी ना हो और बंद भी हो। सही। ये सिलसिला मतलब वहां पे कबूतरबाजी का। और मुझे बड़े आइडियल लोग लगे ना वहां के कबूतरबाज, माशाल्लाह 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 जी। और एक ये कबूतर है, अब इसमें नीला कलेजी दोनों, मतलब इसके अंदर जरात है। ये चेहरा वहाँ सबसे ज्यादा कामयाब है, जो यानी मैं रिसर्च करके आया हूँ, ये चेहरा वहाँ बहुत अच्छा चलता। ये कबूतर चलते हैं वहाँ, मतलब यूं नहीं, कबूतर चल रहा है, छत पे आ रहा है, वो उधर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर उधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, मतलब कबूतर चलता है। विशाल भाई सलाम दे रहे हैं आप। वालेकुम सलाम। अब ये भी वही परफेक्ट कुंडे वहाँ के, कुंडे में वहाँ जोर चाहिए। अच्छा। बिल्कुल गोश्त से खाली हो जाना चाहिए उनको, बॉडी बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सॉकेट पत्थर पकड़ा हुआ मैंने, ऐसी बॉडी के कबूतर वहाँ चल रहे हैं। बेस्ट वहाँ पे आपने कौन सा क्रॉस कामयाब देखा?